जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का टॉपिक नंबर 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणधर्म पहला गुणधर्म था संवृत। संवृत के अंतर्गत हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय के बारे में अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे, कर्म विनिमयता। देखिए, नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या कह रहा है, कर्म विनिमयता, मतलब कर्म का विनिमय करना, मनी एक्सचेंज, कर्म का अदला बदला। कर्म विनिमयता का क्या मतलब हो गया? कर्म का अदला बदला, अदला बदली, कर्म का अदला बदली करना क्या कहलाता है? कर्म विनिमय। सबसे पहले ये गुणधर्म पढ़ेंगे किस संख्या में? पूर्ण संख्या में। जैसे इसमें भी वही जोड़, योग, योग में देखिए कर्म विनिमय करिए, जीरो में सात जोड़ो या सात में जीरो जोड़ो, क्रम चेंज कर दिया। पहले क्रम में था जीरो, दूसरे में था सात, अब क्या नियम पढ़ रहे हैं कर्म विनिमय? जीरो में सात जोड़ो और सात में जीरो जोड़ो, उत्तर कितना आएगा? सात। क्या आता है? सेम होता है, चाहे जीरो में सात जोड़ो तो भी सात आता है और सात में जीरो जोड़ो तो भी सात आता है। इसका मतलब क्या है? योग कर्म विनिमय है, योग कर्म विनिमय है। ये हो गया जोड़ में। इसी तरह देखिए घटाने में, व्यकलन में, जोड़ कर्म विनिमय है। अब देखिए पांच में से दो गया तो कितना आए? तीन। उल्टा कर दो, क्रम चेंज कर दो, में से पांच गया, पांच में से दो गया तीन, और दो में से पांच गया क्या बन गया? माइनस तीन। क्या इसमें क्रम सही आ रहा है? देखिए पांच में से दो गया तीन और दो में से पांच गया कितना आ रहा है? माइनस तीन। क्रम का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए गुणा क्या है? गुणे में देखिए दो को तीन से गुणा करो कितना है? छः। क्रम चेंज करना है तो पहले क्या लिखोगे? तीन। तीन को दो से गुणा करो कितना है? छः। क्रम चेंज किया, दो को तीन से किया तो भी छः और तीन को दो से किया तो भी छः। इसका मतलब क्या है? गुणा कर्म विनिमय है, गुणा कर्म विनिमय है। इसी तरह देखिए भाग देखिए, लिखिए छः भाग दो, छः में दो का भाग दिया कितना है? तीन। अब क्रम चेंज कर दो, दो में छः का भाग दो, दो में छः का भाग दो तो क्या आएगा? पॉइंट तीन। कितना आएगा? पॉइंट तीन। भाग टूट गया, दो में छः का भाग नहीं जाता, तो छः का भाग मैंने दो में दिया नहीं जाता, लग गया पॉइंट, बन गया 20 6 3 18। मतलब चेंज है, क्रम विनिमय चेंज करते क्या हो गया? क्रम। इसका मतलब भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग कर्म विनिमय नहीं है। ये सब किस में लगाया हमने अभी? पूर्ण संख्याओं में। कर्म विनिमय गुणधर्म किस में? जोड़, बाकी, गुणा और भाग में। अब अपने अगले पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। दूसरी संख्या है अपनी पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में देखें वही अपने पास क्या आएगा? योग। पूर्णांक में कर्म विनिमय किस में चेक करना है? योग में। देखिए पूर्णांक मतलब क्या होता है? जीरो। पूर्णांक मतलब देखिए तीन प्लस चार, पूर्णांक में क्या लिखा? पूर्ण संख्या है, प्लस माइनस वाली सभी संख्या है, तीन में चार जोड़ा कितना आया? सात। तो चार में तीन जोड़ो, क्रम चेंज कर दिया। क्रम विनिमय का मतलब भी होता है क्रम का अदला बदली। मैंने तीन में चार जोड़ो और चार में तीन जोड़ो, क्रम चेंज कर दिया, चार पहले लिख दिया और तीन बाद में लिख दिया तो भी कितना आया? सात। इसका मतलब क्या हुआ? योग कर्म विनिमय है, योग कर्म विनिमय है। योग क्या है?
क्रम विनिमेय है। इसी तरह देखिए घटाएं वैकलन, वैकलन, वैकलन में देखिए पांच में से माइनस तीन गए, पांच में से माइनस तीन गए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, पांच तीन कितने गए आठ, और माइनस तीन में से माइनस पांच गए, माइनस तीन में से माइनस पांच गए कितने आ गए, माइनस का आठ। इसका मतलब वैकलन क्रम विनिमेय नहीं है, वैकलन क्रम विनिमेय नहीं है, वैकलन क्रम विनिमेय नहीं है। अब देखिए गुणा, देखिए माइनस दो इंटू चार, माइनस दो इंटू चार कितना आ गए, माइनस के आठ, क्रम चेंज किया तो चार इंटू माइनस दो, चार दुनिया आठ माइनस आठ, दोनों क्या आ गए सेम। इसका मतलब गुणा क्या है, क्रम विनिमेय है, गुणा क्रम विनिमेय है, गुणा क्रम विनिमेय है। इसी तरह देखें भाग, भाग अब देखिए चार में दो का भाग दो, चार में दो का भाग दो कितना है दो, तो चेंज कर दो, दो में चार का भाग दो नहीं गया, कितनी बार गया पॉइंट पाँच, यहाँ तो आ रहा दो और यहाँ आ रहा पॉइंट पाँच, मतलब भाग क्रम विनिमेय नहीं है, भाग क्रम विनिमेय नहीं है, भाग क्रम विनिमेय नहीं है। इसी तरह देखिए अब पढ़ रहे हैं अपन परिमेय संख्याएं, क्या पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत योग, परम संख्या, परम संख्या क्या कह रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए, या हम यहाँ कुछ युग्मों को जोड़ते हैं, जैसे माइनस तीन दो बटा तीन में पाँच बटा सात जोड़ा कितना आया, माइनस दो बटा तीन में पाँच बटा सात जोड़ा, देखें देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत अपन जोड़ रहे हैं माइनस दो बटा तीन में पाँच बटा सात जोड़ना है, तो भिन्नों की जोड़ में क्या लगेगा लसप, तीन और सात का लसप आएगा इक्कीस, तीन का भाग इक्कीस में दिया सात बार, सात को दो से गुणा किया माइनस के चौदह, प्लस सात का भाग इक्कीस में दिया तीन बार, तीन को एक से गुणा, तीन को पाँच से गुणा किया कितने हो गए पंद्रह, पंद्रह में से चौदह गया कितना बच गया एक, एक बट्टा इक्कीस कितना आया एक बट्टा इक्कीस। अब क्रम चेंज करो क्योंकि क्रम विनिमेय गुणधर्म लगा रहे हैं, तो पाँच बट्टा सात को पहले लिखेंगे और माइनस दो बट्टा तीन को बाद में लिखेंगे, वही तरीका जोड़ना ही है, तो लसप देखो कितने आए इक्कीस, सात का भाग इक्कीस में दिया तीन बार, तीन को पाँच से गुणा किया आया पंद्रह, प्लस माइनस माइनस, तीन का भाग इक्कीस में दिया सात बार, सात को दो से गुणा किया चौदह, पंद्रह में से चौदह गया एक, एक बट्टा इक्कीस। देखिए क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन हो रहा है, मैंने माइनस दो बट्टा तीन में पाँच बट्टा सात जोड़ा तो भी एक बट्टा इक्कीस, और पाँच बट्टा सात में माइनस दो बट्टा तीन जोड़ा तो भी कितना आया आपका एक बट्टा इक्कीस, एक बट्टा इक्कीस। अब देखिए इसी तरह वैकलन, वैकलन, वैकलन में देखिए दो बट्टा तीन में से पाँच बट्टा चार गया, दो बट्टा तीन में से पाँच बट्टा चार गया, वही तरीका भिन्नों की बाकी, बाकी में क्या लेंगे लसप कितना है बारह, तीन का भाग बारह में दिया चार बार, चार को दो से गुणा किया आठ, माइनस चार का भाग बारह में गया तीन बार, तीन को पाँच से गुणा किया पंद्रह, कितना किया पंद्रह, कितना है पंद्रह। अब कितना है देखो कितना है आठ में से पंद्रह गया माइनस का सात, सात बट्टा बारह। अब लिखो आगे माइनस के पाँच बट्टा चार प्लस दो बट्टा तीन, क्रम चेंज कर रहे हैं वही लसप बारह, चार का भाग बारह में दिया तीन बार, तीन को पाँच से गुणा किया माइनस के पंद्रह, तीन का भाग बारह में दिया चार, चार को दो से गुणा किया आठ, माइनस सात बट्टा बारह। यह है आपके क्रम विनिमेय
गुणधर्म। फिर गुणा, गुणा भी कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करेगा और भाग भी आपके कर्म विनिमय का पालन करेगा। ये था आपका कर्म विनिमय गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म होता है साहचर्य। तीसरा नियम है आपका साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता में देखिए साहचर्यता मतलब साथ साथ, क्या लिखना है साथ साथ। साहचर्यता में कितने आएंगे, तीन चीजें आएंगी, तीन संख्या आएगी। साहचर्य में कितनी आएगी, तीन संख्या। साहचर्यता गुणधर्म किसमें अपन करेंगे, पूर्ण संख्या में, फिर पूर्णांक में, और फिर परिमेय संख्या में। साहचर्यता गुणधर्म पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में और परिमेय। साहचर्य में देखेंगे पहले पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या साहचर्य गुणधर्म है। निम्नलिखित सारणी के माध्यम से पूर्ण संख्याओं के लिए चार संक्रियाओं की, वही चार जोड़ बाकी गुणा भाग। देखिए साहचर्य गुणधर्म में, साहचर्य गुणधर्म में पहले आपका आ रहा है योग। क्या आ रहा है, योग। देखो चार संख्या में योग लिखे, जैसे दो प्लस चार प्लस तीन प्लस एक, जोड़े चार दो छः, छः तीन नौ, नौ एक दस, क्या आया साहचर्य है कि नहीं है। दो दो को जोड़ कर दो कितना आए, दस। फिर बाकी में साहचर्य गुणधर्म नहीं लगता है गुणे में। देखो दो इंटू दो, सात इंटू दो इंटू पाँच, दो और पाँच का गुणा किया दस, दस को सात से गुणा किया सत्तर, या सात को दो से किया सात उन्नीस चौदह, चौदह को पाँच से किया तो भी सत्तर, ये कहलाता है गुणन। इसका मतलब साहचर्य गुणधर्म जोड़ में लगता है और गुणे में लगता है, और भाग में और बाकी में नहीं लगता है। इसी तरह देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में योग देखें, तीन प्लस माइनस चार, इन दोनों को जोड़े कितना आया, माइनस का एक और माइनस का दो और माइनस का एक, माइनस का तीन। अब इन दो को ले लो, पहले इन दो को लिया फिर इस दो को जोड़ा, अब पहले माइनस दो और तीन को ले लो फिर माइनस चार जोड़ो, तो ये भी एक योग साहचर्य नियम पर पालन करता है। एक और उदाहरण लिया इन्होंने, माइनस चार और माइनस पाँच, फिर माइनस छः जोड़ो, या माइनस छः और चार को पहले जोड़ दो और माइनस को पाँच जोड़ो, ये भी क्या कहलाता है आपका साहचर्य नियम। ये कहलाता है देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बाकी साहचर्य नियम नहीं है, गुणा साहचर्य है और भाग भी साहचर्य नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या में भी साहचर्य, तीन संख्याओं को जोड़ना है, व्यकलन में तीन संख्याओं को घटाना है, गुणे में तीन संख्याओं का गुणा करना है और भाग में तीन संख्याओं का भाग देना है। भाग में साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता है। अब ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। आपका उदाहरण नंबर एक कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको याद करना है, पहला है तीन बटा सात प्लस माइनस छः बटा ग्यारह प्लस माइनस आठ बटा इक्कीस प्लस पाँच बटा बाईस, सबको लिख दिया। अब देखिए सात ग्यारह इक्कीस बाईस, देखिए सात ग्यारह इक्कीस बाईस का लसअप आ रहा है चार सौ बासठ, कितना आ रहा है चार सौ बासठ। सात में भाग दिया चार सौ बासठ में, जो भी आया उसको किससे गुणा किया, एक सौ अंठानवे, ये आए माइनस के। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस का प्लस, ये बचा माइनस एक सौ पच्चीस बट्टा चार सौ बासठ। अब देखिए दो दो को कर रहे हैं, देखिए पहला दूसरे को साथ लेके कर रहे हैं, तीसरे और चौथे को साथ लेके चल रहे हैं, तो भी उत्तर आया माइनस एक सौ पच्चीस बट्टा चार सौ बासठ। हम सोचते हैं कि कर्म विनिमयता और साहचर्य के गुणधर्मों की सहायता से परिकलन आसान हो जाता है। ये दोनों नियम लगे, एक तो कर्म विनिमयता का नियम लगा और एक कौन सा नियम लगा, साहचर्यता। ये दोनों नियम से इस उदाहरण को सॉल्व किया गया है।